ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड, जिसमें नॉर्मली लोगों को रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतना GB डाटा ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें हमने जो प्लान दिया है वो हाई स्पीड पे 50 MB 100 MBPS पे, और उस पर हम आपको दे रहे हैं अनलिमिटेड डाटा, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि आपका डाटा जो है वो कंज्यूम हो गया है या उसमें आपको उसको रीलोड करवाना है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ये चीज़ की प्रॉब्लम अब हल हो जाएगी। अब आपको आप कुछ भी स्ट्रीमिंग कर सकते हो, कुछ भी चीज़ देख सकते हो पूरी स्पीड पे और विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज वो पैकेज में ही आपके अनलिमिटेड जो है हमने वो डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस नाउ। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये चीज़ जो है अट्रैक्ट करेगी और लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और उनको हम ये इस तरह की नई नई सर्विसेज और भी प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो आज का बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम लिया है हमने, और तीनों एस्पेक्ट्स जो कस्टमर देखता है इंटरनेट में, जैसे कि एक बहुत हाई स्पीड हो, खूब सारा डेटा अवेलेबल हो और एक अफोर्डेबल प्राइस हो, हमने उन तीनों एरियाज़ को एक साथ एड्रेस किया है। हाई स्पीड हम हमेशा से मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स या जो बाकी ऑफर्स हैं उनसे 10 से 15 गुना ज़्यादा स्पीड हम देते आए हैं। साथ में आज हमने डेटा भी अनलिमिटेड कस्टमर्स के लिए डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कस्टमर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, करीबन 4 घंटे का दिन का यूसेज इंटरनेट पे है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने डेटा की बंदिश हटा दी है ताकि किसी को इस बात की चिंता ना हो कि डेटा ख़त्म हो गया और स्पीड डाउन हो जाएगी, तो वो एक लिमिट हटा दी है। और साथ में हम लोगों ने प्राइस इस तरह की रखी है कि किसी को भी वो तंग ना करे, किसी को चुभे ना। 599 के एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे कस्टमर को 50 MBPS अनलिमिटेड, ट्रूली अनलिमिटेड डेटा मिलेगा 599 पे। थैंक यू। हम सब लोग एक नई क्रांति की घोषणा करने वाले हैं, एक नई क्रांति शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं उसके बारे में बात करूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं। आप सबको पता है इंटरनेट की आज हमारी जिंदगी में क्या कीमत है, क्या उसकी जरूरत है। अभी ये कह देना कि जो 3 बेसिक नीड्स होती थी, रोटी कपड़ा और मकान, तो अब 4 बेसिक नीड्स हो गई है, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। और इतनी तेजी से इंटरनेट का यूसेज बढ़ रहा है इंडिया में कि हर आदमी तकरीबन ऑन एन एवरेज 4.5 आवर्स 4.5 घंटा इंटरनेट को यूज करता है। तो आप ये समझ सकते हो कि जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन गया इंटरनेट। तकरीबन सारे बिजनेसेस इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं, जितना भी एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है उसमें 90% इंटरनेट का हिस्सा है। इन सोशल मीडिया साइट्स पे जा रहे हैं उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है, वो सारा भी इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। तो तकरीबन हर वॉक ऑफ लाइफ में इंटरनेट का बहुत अहम रोल हो गया है। हम लोग ये भी देखते आए कि हिंदुस्तान में बहुत तेजी से इंटरनेट फैला है, हिंदुस्तान में बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुई है। आज 130 करोड़ लोगों में तकरीबन 60 करोड़ लोग एक्टिवली इंटरनेट यूज करते हैं रोज, और ऑब्वियसली 130 करोड़ में काफी सारे उस एज में हैं जो शायद अभी इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, तो फिर भी 60 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। ये काउंट वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट है, और हमारे से आगे सिर्फ चाइना है जिसमें थोड़े से अधिक यूजर हैं, और ऐसा एस्टिमेट है
कि 2021 में हिंदुस्तान चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा इन टर्म ऑफ इंटरनेट यूसेज। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि कितना डेटा यूज होता है। तो ऑलरेडी इंडिया डिस्पाइट बीइंग नंबर टू, डेटा के कंजम्पशन के हिसाब से वर्ल्ड में नंबर वन है। उसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक